झारखंड विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बाकी है। उससे पहले प्रदेश की सियासत में रस्साकशी तेज हो गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार 9 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम गठबंधन पर जमकर जुबानी हमला बोला। इस मौके पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि राज्य में लोकसभा चुनाव के नतीजे ने साबित कर दिया कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन सरकार ने जनादेश खो दिया है और इस बार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनाएगी। कितना सीट आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कितना सीट आएगी तो उस समय, लेकिन जो 52 सीट इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने लीड किया, तब उस 52 के प्लस ही जाएंगे, पीछे नहीं रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से 8 और उसकी गठबंधन आजसू पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। झारखंड में लोकसभा चुनाव के परिणामों से बीजेपी उत्साहित है। इसके उलट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 और उसके सहयोगी दलों ने सिर्फ 2 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। इसको लेकर सियासी दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि इस बार 100% एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस बार 100% पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जुगसलाई भी हम लोग जीतेंगे। नहीं, जुगसलाई से क्या बीजेपी का कैंडिडेट होगा या फिर गठबंधन में जाएगा? तो स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं, स्वाभाविक रूप से जीतने वाले को ही जिताना है। नहीं, कार्यकर्ताओं से आपने अपील भी किया, जीतने वाले को ही जिताना है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इस बार आसू से गठबंधन नहीं होगी क्या? 100% एनडीए का गठबंधन रहेगा, ये हमारे शीर्ष के नेतृत्व तय करेगा। आपने सर अभी तुरंत कहा कि का जो मनोभावना है उससे हम अवगत कराएंगे और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है एनडीए गठबंधन दल का जो बैठक होगा उसमें तय होगा। लेकिन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने जोश में है कि इस बार आज़ादी के बाद पहली बार कमल इस जुगसलाई विधानसभा में खिलाना है, ऐसा उन लोगों ने संकल्प लिया। तो ये भावना कार्यकर्ताओं का है, इसको हम लोग अपने पार्टी के अध्यक्ष और अपने पूरे एनडीए के गठबंधन दल में रखेंगे, जो बैठक होगी उसमें रखेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।